अच्छा, इफ एनी चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन प्राइस दैट इज कॉन्ट्रेक्शन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी किसी भी अगर आपके पास प्राइस के इफेक्ट की वजह से, यानी प्राइस अगर कम हो रही है और आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, वो कहलाती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर आपकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ये कहलाता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, क्या कहते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ जाएं तो राइस इन डिमांड, ये थोड़ा सा राइस ऑन डिमांड और राइस इन क्वांटिटी डिमांड फर्क है। अगर हम यहाँ पढ़ें द राइस इन डिमांड विल शिफ्ट द मार्केट डिमांड कर्व आउटवर्ड, यानी राइस इन डिमांड और फॉल इन डिमांड, ठीक है ना, ये डिफरेंट है फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ इन डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर प्राइस की वजह से अगर प्राइस कम हो रही है और आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। अगर आपकी प्राइस के अलावा किसी वजह से अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो उसे राइस इन डिमांड कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर प्राइस अगर कम हो रही है, सॉरी प्राइस अगर बढ़ रही है और तो इसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड अगर कम हो रही है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। लेकिन किसी और वजह से अदर देन द प्राइस अगर आपकी जो है वो डिमांड कम हो रही है उससे क्या कहते हैं, फॉल इन डिमांड। और फॉल इन डिमांड कैसे शो करते हैं, शिफ्ट से शो करते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है कि ये आपकी अगर ये आपकी डिमांड कर्व है तो आपके पास अगर शिफ्ट अगर अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपको शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, और अगर जैसे जैसे इस राइज इन डिमांड का ग्राफ यहाँ से आएगा शिफ्ट हो जाएगा, और फॉल इन डिमांड होगा तो फॉल इन लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। अब देखिए हर क्वांटिटी हर उसी प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी यहाँ पे डिमांडेड कम हो रही है। ठीक है। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ग्राफ नजर आएगा, ये आपकी तो ये इसका मतलब ये आपके पास डिमांड थी लेकिन किसी वजह से अदर देन दी फैक्टर प्राइस फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने के बाद ये राइट पे चली गई। इसका मतलब हुआ कि प्राइस वहीं की वहीं है, उसके बावजूद भी अगर डिमांड शिफ्ट हो गई तो पहले पहले क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, अब क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है, यानी इतनी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन ये प्राइस की वजह से नहीं है बल्कि किसी और फैक्टर से हो गया, इसे कहते हैं राइज इन डिमांड। इसे लिखा हुआ राइज इन द मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट मे बी कॉज बाय, किस वजह से होती है, इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, अच्छा रिडक्शन इन टैक्सेस, राइज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट। ठीक है। अगर वो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी जाएगी तो उसकी डिमांड कम होगी, हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हम अगर हमारे प्रोडक्ट से कॉम्प्लीमेंट है तो हमारी प्राइस भी हमारी भी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको इसको रीड करें जरा थोड़ा सा, मैं जब तक 2 मिनट में आपको देना, उसको रीड करें। जी भाई, समझ में आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है, इस क्लियर, कोई इशू तो नहीं है, बहुत क्लियर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर पूरी चीज है आपके पास, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास फॉल इन मार्केट डिमांड होगी तो मतलब है किसी भी वजह से आपके पास अगर अदर देन द प्राइस एनी रीजन अदर द प्राइस इफ क्वांटिटी आपके अगर वो डिमांड कम हो रही है तो दैट इज कॉल्ड फॉल इन मार्केट डिमांड, फॉल इन डिमांड होती है। ठीक है ना, कि मार्केट का तो मार्केट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फॉल इन मार्केट डिमांड और प्रोडक्ट में भी कॉस्ट, अब इसके रीजन बता दिए तो इधर कम हो सकती है, ये इधर इंक्रीज इनकम हो गई, इधर फॉल इन इनकम हो गई। टैक्स अगर बढ़ेगा, अगर तो अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और टैक्स अगर आपके पास कम हो जाएगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, राइज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट, इधर क्या है, फॉल इन प्राइस, अगर यही प्राइस जो बढ़ने की वजह कम हो जाए तो ये कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर फॉल इन ये कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर आपकी अगर कम होगी तो
तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो आपकी भी डिमांड भी आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके एक और रीजन इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, अगर आप बहुत अच्छी की आपने तो क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अदर सारे फैक्टर कौन से हैं विच अफेक्ट डिमांड अदर देन द प्राइस। अच्छा, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज कट बैक, अगर आपने प्रोडक्ट आप किसी अगर आपके आपने कम कर दिया और बैन कर दिया, कम कर दिया, उसके हिसाब से जाहिर है डिमांड आपकी कम हो जाती है, जो इसका बहुत अच्छा खासा इफेक्ट होता है आपका, किसका, एडवर्टाइजिंग का। इतना एक और रीजन है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी जाहिर डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग इसको डिमांड कर देंगे। पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो अच्छा, पॉपुलेशन कम होने बढ़ने का मुख्तलिफ रीजन है। पॉपुलेशन बढ़ने की यानी या तो हो सकता है इमिग्रेंट ज्यादा हमारे पास आ रहे हो, ज्यादा भारत मुल्क से ज्यादा, या दूसरे शहरों से आ रहे हो, या दूसरी जगहों से हमारे पास लोग ज्यादा काफी आ रहे हो, ये भी अचानक बढ़ जाते हैं काफी लोग, ठीक है ना। तो अगर उसके अलावा कम होने का ज्यादा हो सकता है हमारी की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है किसी वजह से, लोग यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाए तो हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, या कुछ डेथ वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। ये भी कोई भी रीज़न हो सकता है, यानी कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन अगर कम होगी तो हर प्राइस के ऊपर आपकी डिमांड कम हो जाएगी। इससे पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगी तो आपके पास डिमांड बढ़ जाएगी। अदर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और इसी सबके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं। अदर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल, अ हॉट समर कैन बूस्ट डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक एंड समर। अचानक आपकी जैसे वो जाए, इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा जैसे कोई अभी अचानक कराची में कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा बारिश, अगर वो सर्दी ज्यादा हो जाएगी तो अचानक अगर सर्दी बहुत ज्यादा तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, स्वेटर्स की, और जो है ना वो एग्स की है, या अभी वार्म क्लोथिंग की, ठीक है, सबकी डिमांड, या शॉल है, या आपके पास जैकेट्स है, उन सबकी डिमांड बढ़ जाएगी सारी की सारी। और इसी तरह अगर आपके पास ये अचानक ये हो गया मौसम बिल्कुल गर्म होना शुरू हो गया, इन सब की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन लोग के सोचा और ये अंडे और सब चीज़ें ना खाना कम कर देते हैं। ड्राई फ्रूट की डिमांड भी जाकर सर्दी में बढ़ जाती है, ठीक है, और जब ड्राई फ्रूट की जब मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है तो लोग इसकी डिमांड कम कर देते हैं। अच्छा देखें, ये है अदर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल, अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस मेड डिमांड फॉर सिगरेट, ठीक है ना। अगर आपने पब्लिक प्लेस पे अगर मना कर दिया तो आपकी जनरली क्या होता है कि आपकी उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है जी। तो नॉर्मल गुड एंड फील गुड अभी हम पढ़ेंगे इसको बाद में, अभी हम जाते हैं दोबारा उसी के ऊपर, ठीक है जी। सारे के सारे दो लोग मेरे साथ ही है ना भाई, जैद क्या ना चैटिंग आ रही है, इनकी आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या मसला हो गया इनके साथ। चलें इसको देखते हैं। देखिए आपको मैंने आपको हाँ ये दिया था कि आपने सारे कर लिए थे, अच्छा ये याद रखिए कि इन सबके बेसिस पे मैं आपको सारे जो है ना उनके जो टर्म का जो सारे एवेल्यूशन होगी सारी, ठीक है। ये आपको मैंने ये दिया था यूजिंग एन अप्रोप्रिएट, ये बुक आपके पास है, ये मैंने कहा था यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, ये चार से आपने कर लिए थे, ये वाला ये बताइए इसके अंदर क्या मसला है, इसके अंदर दूसरा योग करना है। इन 2012 डेनिश टॉय मेकर लेगो, लेगो शायद आपने देखा होगा छोटी चीज जो बनती चीजें बनती हैं, लॉन्च लेगो फ्रेंड्स टू अपील प्राइमरीली टू गर्ल्स। द प्रोडक्ट इंक्लूड मिनी डॉल फिगर्स पिंक एंड पर्पल टॉय सेट्स एंड पेट्स। फाउंडेड इन 1949 लेगो पॉपुलर टॉयज कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स वर टारगेटेड मेनली एट बॉयज with popular Lego term, theme. Sets such as Lego Racers, Lego Star Wars, Lego Batman and Lego Ninja Go. Achha, in early 2013, the San Francisco Chronicle reported that Lego had sold twice as many of the Lego Friends toys as was expected. The company said demanded from children and their families was overwhelming positive business positive. Achha, business is reported that Lego had spent 40 million in its global marketing of Lego Friends. Achha, ab ye sab to aapko puri case study tak ke information di hui hai. Ab iske base pe aapse kuch question kiya ja raha hai. Kya question hai? Question hai define the term demand. Ab ye demand ki simple definition likhni hai aapko, kuch bhi nahi karna. Achha, explain two possible reason for the higher than expected demand for Lego friend toys construction bricks. क्यों है? अब इसके अंदर से आप देखिए, याद रखिए जब भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो आपको इसमें से ही तैयार करना, ठीक है। अच्छा, explain two possible reason of the higher expected demand of Lego friend by
कंस्ट्रक्शन ब्रेक। अब कंस्ट्रक्शन ब्रेक आपके यहाँ पर है, ये डिमांड क्यों बढ़ रही है, अभी इसको इसको पढ़ के आपको इसमें से जवाब देना है, ठीक है। ये आपका मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूँ सारा, ये सारा का सारा डिस्कस ना आपने डिस्कस किया था, लेकिन आपने जो ना हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने कॉपी में आप लोगों ने कर लिया होगा ये सारा क्वेश्चन चीजें, ये और प्लस ये वाले इधर टू दी पॉइंट आपको जवाब देना है अंदर, तो इसमें सिर्फ डिफाइन करना है और कुछ नहीं है, इसमें आपको टू पॉसिबल रीजन देना, ठीक है। और कोशिश करें कि इसके अंदर से आप कंक्लूड कर लें, ठीक है, इसमें ब्रिक्स में डिमांड क्यों आ रही है, जैसे ये यहाँ पे लिखा फैशन ब्रिक्स पॉपुलर ब्रिक, अगर मेनली किसी वाइड पॉपुलर के लिए यहाँ पे किस लिए हो रही है, ठीक है। तो इसको पढ़ो और पढ़ के इसमें से समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आके फिर आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बिलो द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द कैरेट इन ए कंट्री। अब देखेंगे आपके पास कैरेट पर केजी है, अच्छा देखिए क्वान्टिटी सप्लाई, देखेंगे आपको नजर आ रहा है ये आपकी ये क्वान्टिटी डिमांडेड है। अब देखिए आपकी प्राइस, अगर हमारे लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस ये कम होती जाएगी, जैसे यहाँ पे कम होती जा रही है, ठीक है, 9, 8, 7 से ये कम होती जा रही है, तो क्या आपके पास क्वान्टिटी डिमांडेड जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, क्वान्टिटी डिमांड यहाँ पे तो 10 है, 15 है, 20, तो ये पुस्तक बढ़ती जा रही है। इसी तरह आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। देखिए थोड़ी देर में जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको दोबारा कनेक्ट करेंगे, ऐसा ना आप लोग गायब हो जाए, ठीक है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम अपनी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे आपकी प्राइस अगर कम होती जाएगी, हम ये क्वान्टिटी लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि आपकी अगर प्राइस कम होगी तो आपके पास क्वान्टिटी सप्लाई कम होती जाएगी, देखेंगे आपके पास कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये आपको अच्छा, ये जो सारा चार्ट है ये कहलाता है, अगर आपके पास खाली प्राइस हो और डिमांड हो, ये कहलाता क्वान्टिटी डिमांड हो, इसका मतलब ये कहलाता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और आपके पास प्राइसेस गिवन हो और सप्लाई गिवन हो, यानी क्वांटिटी सप्लाइड गिवन हो, ये दो चीज गिवन हो, तो वो कहलाता है सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों दी हुई है, इसलिए इसमें क्या क्या है, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ, ठीक है। ये किस चीज का प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट है कैरेट, ठीक है। अब इसको देख के आपको करना है प्लॉट एंड लेबल द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑन ए सुटेबल ग्राफ, एस्टेब्लिश द प्राइस इक्विलिब्रियम एंड क्वांटिटी ट्रेडेड। बिल्कुल, अब ये पूरा आप जो ना बना के पूरा इसकी प्रॉपर जैसे मैथ के अंदर करते हैं पूरा, आप पहले आपको इस प्राइस के ये प्राइस कहाँ शो करेंगे तो बता सकते हैं मुझे जी, मिनाहिल एंड अपने जैद कह सकते हैं कि आप ये प्राइस कहाँ शो करेंगे और ये क्वांटिटी कहाँ, ये क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई कहाँ शो करेंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल। अगर आपके पास ये आपके पास अगर अगर ग्राफ बना हुआ है, हाँ ये मुझे बताएं कि आपके पास यहाँ पे क्या शो करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो होगा, यहाँ पे क्या शो होगा, कोई बता सकते हैं ये आप लोग, टू वे कम्युनिकेशन रहेगी तो क्लास में मजा आएगा जी। मिनाइल मिनाइल बता दी, जैद का शायद आवाज नहीं, लेकिन वो चैट भी चल रही है उनकी, चले मिनाइल आप बताइए प्लीज। हाँ आपका माइक तो ऑन लग रहा है, लेकिन हाँ लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं, हो सकता है कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, मैं पहले माइक को निकाल कर दोबारा प्लेस करेंगे तो शायद आवाज आ जाए। जी हाँ चैट में कुछ लिखा हुआ है, चैट में आ रहा है मिनाहिल ने लिखा है, ग्लिच है, अच्छा इसको फिर क्या करें इसको, चले मैं इसको कंटिन्यू कर, अभी हमारे पास जो है ना 5-6 मिनट के बाद तो वैसे ही करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे फिर शायद सही हो जाए। ठीक है अच्छा, देखेंगे आपके पास जो है ना यहाँ पे याद रखेंगे, आपके पास जब भी आपको डिमांड सप्लाई का शेड्यूल होगा आपकी प्राइस जो है वो यहाँ पर आएगी वर्टिकल में,
और हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी क्वांटिटी। हाँ तो आप चैट में लिख के बता देना कि क्या हुआ। ठीक है, अभी नजर आ रहा है आपको क्लियर? ये उड़ गया सारा नोटिफिकेशन, उड़ देंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपके पास ये सप्लाई डिमांड है तो यहाँ पर आएगी आपकी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन आ गया, यहाँ पर आपकी आएगी प्राइस और यहाँ पे आएगी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे जैसे 10,000 ना, ये 5,000 से बना सकते हैं आप। ये देखें 4,000 है तो आपको 5,000 यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे 5,000 में चल जाएगा। वहां से ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लेकिन इसमें कर लें, इसी को कर लें। इसको आप क्या करें, इसको 5,000 में कर लें, फिर ये अंदाजे से 8,000 लगा देंगे। 5,000 यहाँ लगा सकते हैं आप, 5,000 5,000 5,000 5,000, यानी कि 5 स्टार्ट का सबसे मिनिमम जो नंबर है वो आपका 8,000 है, तो 5,000 से कर लें तो 8 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर आपके डिमांड और सब क्वांटिटी डिमांड का दोनों आपको इसी पे करना है। ठीक है, इन दोनों के सबके पॉइंट आपके इस तरह पॉइंट लग जाएंगे, ये पॉइंट इधर आया, ये पॉइंट ये ऐसा कोई पॉइंट लग जाएगा इसी तरह, इस तरह यहाँ पे कोई पॉइंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप करेंगे इस डिमांड को यहाँ ये जो सप्लाई यहाँ से मिला देंगे, उसके बाद यहाँ से उसको इस तरह मिला देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए प्लॉट जीत कर दिया, फिर लेबल करना है आपको। लेबल क्या करेंगे, ये सप्लाई है और ये आपका डिमांड है। ठीक है, इसको लेबल करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, कर्व एंड सूटेबल ग्राफ एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब यहाँ पे जो भी आपको प्राइस यहाँ पे सेट करेंगे ना, जैसे आपके एक एक करेंगे, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और ये 9 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। अच्छा, जो यहाँ पर जब इसको बना लेंगे पूरा, जब दिमाग का जो पूरा बन जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे किस प्राइस पे आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर ये अगर ये 4 आ रहा है तो इसको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, तो ये आपके यहाँ पे लिख देंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी। और यहाँ पर जो आप इसके बाद कह रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड, अभी क्वांटिटी ट्रेडेड आपकी ये हो जाएगी यहाँ पे कोई भी, अगर ये 5, 10, 15, 20 हो सकता है, 20 हो जाए 20,000। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है जी, यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है 5 है। ठीक है ना, इसमें चल जाएगा ये, फिर आपका मिसाल के तौर पर आपका 5 है। ठीक है, ये आपको हो सकता है 10 हो। ठीक है, ये आपका 15 हो और ये हो सकता है आपका 20 हो। ठीक है, तो अगर ये 20 होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी कितनी होगी, 20 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 20 हो जाएगी। अच्छा, केजी भी लिखिएगा याद से, यहाँ पे आपने केजी भी लिखना है यहाँ। ठीक है, और प्राइस जो है ना वो डॉलर में, तो यहाँ पे लिख देंगे आप डॉलर। ठीक है, यानी कि आप इस तरह बना के ये पूरी लेबलिंग है, क्योंकि लेबलिंग अगर नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। यूजिंग योर ग्राफ डिटरमिन द एक्सेस डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 5 kg। ठीक है ना, 5 kg अगर मिसाल के तौर पर 5 है, यहाँ मिसाल के तौर 5 kg यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 kg है तो आपके पास देखिएगा यहाँ पर आ जाएगी 5 kg भी, देखेंगे पूरा बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। बल्कि आप इसको यहाँ से करेंगे, अगर आपकी प्राइस आए वजह से क्या होगा, आपके पास देखिए लिखा हुआ है यूजिंग द ग्राफ डिटरमाइन द एक्सेस डिमांड एट अ प्राइस, एक्सेस डिमांड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ पर अगर जो मैंने जो बनाया इसमें तो एक्सेस सप्लाई हो रही है, लेकिन जो आप बनाएंगे ना प्रॉपर ग्राफ तरीके से, तो आपको यूजिंग ग्राफ डिटरमाइन द एक्सेस डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 5 kg पे एक्सेस सप्लाई डिमांड होगी, गालिबन वो इस जगह पे कोई आएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर जो है आपके पास डिमांड एक्सेस है सप्लाई का, लेकिन ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसके अंदर आपके $5 पे जो है आपके पास एक्सेस डिमांड नहीं है बल्कि एक्सेस सप्लाई है जी। ठीक है, ना बताइए कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, बताइए क्लियर है? अच्छा,
अगर कुछ चीजें फिर पूछ लीजिए मुझसे, वरना फिर ये खत्म करते हम लोग। अच्छा यूजिंग, अरे एक और चीज आ गई यहाँ पे, वो क्या आ गई? अगर ये आ गई कि अगर यूजिंग योर ग्राफ डिटरमाइन द एक्सेस सप्लाई एट ए प्राइस ऑफ 8 8 kg, 8 8 रुपये जो होगी वो डायरेक्ट यहाँ पे कहीं आ जाएगी। ठीक है, वो आपको खुद देख लेंगे आप कि जो आपकी 8 रुपये प्राइस वो यहाँ पर आ जाएगी, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और आपके पास डिमांड कम हो जाएगी जब बनाएंगे तो। अभी कोई मसला है पूछ लीजिए मुझसे। जी बताइए, क्वेश्चन है कोई? जी क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है तो फिर हम खुद को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये आप अभी करके ना सकते हैं आप लोग, अगर तुम देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। जी ये आप लोग बताएं तो सही, प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर वो आपसे मार्क का मसला है तो कम से कम चैट में लिख के बता दें। अच्छा 900, चलो ठीक, इनका तो हो गया।